नमस्कार 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 नमस्कारो, आज तक जितनी भी वीडियोस टीम 22 में आई हैं लगभग 195, उसमें कोई भी संबोधन शुरू में नहीं दिया गया, बाद में सिर्फ धन्यवाद बोला जाता है। मगर आज से जो संबोधन होगा वो यूनिवर्सल, सार्वजनीन, सबके लिए पूरे विश्व के हिसाब से होगा, पाली प्राकृतिक भाषा में नमस्कार या नमस्कारो। नमस्कार ही बाद में नमस्कार बना। नमस्कारो जो है वो विभक्ति, जो पहली विभक्ति है उसके हिसाब से नमस्कारो या नमस्कारा बोलते हैं, मगर इसको नमस्कार करके भी काम चल जाएगा। आप नमस्कारो बोलें या नमस्कार बोलें, एक ही बात है, नमस्कार या नमस्कारो। इस नमस्कार शब्द में और नमस्कारो में कोई भी चीज नहीं जुड़ी हुई है। नम का मतलब है, नम माने होता है झुकना, नम माने होता है पोलाइट होना, नम माने होता है बहुत आराम से व्यवहार को करना, और कार का मतलब होता है करता हूँ, यानी कि मैं नम्र व्यवहार करता हूँ, मैं पोलाइट बिहेव करता हूँ, मैं बहुत अच्छा सुंदर झुकने वाला मैं आपके सामने व्यवहार प्रदर्शित करता हूँ, मेरी तरफ से ये शुरुआत है, इसको नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार या नमस्कारो यानी नम होना। बुद्ध अपने ज्ञान के बाद में जब उनको बोधि प्राप्त हो गई, हाईएस्ट नॉलेज हो गई, तो वो इतने नम्र हो गए कि सभी के लिए, दुनिया में जितने भी प्राणी जितने भी जीव थे उन सब के लिए वो नम्र हो गए, झुक गए। उनके लिए जो करुणा थी वो अनंत हो गई, जो उनकी मुदिता थी यानी प्रसन्नता थी वो अनंत हो गई, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वो अनंत हो गई, और जो उनकी समता थी, समता मतलब सबसे बराबर व्यवहार करना, वो अनंत हो गई। और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नम्र होने वाले, झुकने वाले, नम्रता का व्यवहार करने वाले व्यक्ति अभी तक रहे हैं पूरी दुनिया में। जो संबोधन शब्द है, संबोधन का मतलब है संबोधन, बोधन माने बोलना या बताना, और सम माने समता के आधार पे। अगर आप किसी को कोई शब्द बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं या नमस्कारो बोलते हैं, और वो अगर बदले में नमस्कार या नमस्कारो शब्द देता है, तो ये समता बोधक शब्द है, संबोधन है। मगर अगर कोई आपको कहता है, कोई और शब्द बोलता है जिस शब्द का मतलब सांप्रदायिक हो सकता है, जिसका शब्द का मतलब व्यक्तिवाचक हो सकता है, जिस शब्द का मतलब कोई मतलब काम निकालने के हिसाब से हो सकता है, कोई बिजनेस वाली डीलिंग हो सकती है, कोई व्यापारिक हो सकती है, तो फिर वो विषम बोधन में आ जाता है। विषम बोधन में मोस्टली, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आप कैसे हैं और आप मुझे कहें कि तू कैसा है, तो तू आज की भाषा में अपमानजनक माना जाता है, नीचे की श्रेणी में माना जाता है, आप ऊपर की श्रेणी में माना जाता है। तो ये जो संबोधन हो गया, ये संबोधन विषम हो गया, विषम बोधन हो गया, यानी संबोधन नहीं है, विषम बोधन है, यानी विष जैसा है, विष जैसा है, विष वंतु हो गया। यहां जितने भी हम संबोधन बोलते हैं या जो हम पहले शब्द बोलते हैं, जब भी दो व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं मिलते हैं तो वो आपस में कोई ना कोई शब्द बोलते हैं। पूरी दुनिया में हजारों प्रकार के शब्द लगभग चलते हैं। अधिकतर शब्द जो आज की डेट में हैं वो बड़े अजीब तरह के हो चुके हैं। अगर आप एक छोटे से समुदाय में हैं तो उस समुदाय का कोई शब्द आप निकाल लेते हैं, जो पहला शब्द बोलते हैं, जो किसी भी हालत में जिसका ग्रीटिंग है, वो चेंज हो चुका है, यानी नम्रता की जगह अब वो व्यक्ति प्रधान हो चुका है। जैसे आप नमो बुद्धाय बोलें, तो नमो बुद्धाय यूनिवर्सल संबोधन नहीं है, यानी सबके लिए नहीं है। नमो बुद्धाय का मतलब है कि आप बुद्ध को नमन करते हैं, ये आपकी प्रेयर हो सकती है, ये आपकी प्रार्थना हो सकती है, ये आपकी भक्ति हो सकती है, श्रद्धा हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स या ऑब्लाइज हैं उनसे तो आप बार बार उनको बोलते हैं। मगर सामने वाले व्यक्ति को अगर आप नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो इस विचारधारा का हो या ना हो। बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। बुद्ध को एक धर्म में या एक संप्रदाय में नहीं जोड़ा जा सकता, मगर अगर आप नमो बुद्धाय बोलते हैं तो फिर वो विचारधारा के अंदर एक सांप्रदायिक हो जाता है। पूरे समय में, पाली के समय में या बुद्ध के समय में या बुद्ध के बाद भी,
व्यक्ति एक दूसरे को नमो बुद्धाय नहीं बोलते थे। बुद्धाय का मतलब बुद्ध के लिए, नमो माने नमन करता हूँ, यानी कि मैं बुद्ध के लिए नमन करता हूँ। तो बुद्ध के लिए आप नमन करें अच्छी बात है, मगर सामने वाले व्यक्ति के लिए तो आप नम्र नहीं हुए। आपने कहा नमो बुद्धाय का मतलब मैं बुद्ध के लिए नमन हूँ, नम्र हूँ, आपके लिए हूँ या नहीं हूँ इसका पता नहीं है। मगर आप नमस्कार बोलते हैं, नमस्कारो बोलते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के लिए नमन करते हैं, नम्र व्यवहार पेश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का, जैसे कोई आपको किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत ज़्यादा दिया और आप उस व्यक्ति का नाम पहले बोल के संबोधन करते हैं, कुछ जय बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो छोटे से फील्ड में काम आता है। उससे आपकी पहचान का पता चलता है कि आप किस समुदाय से हैं, किस व्यक्ति से हैं, किस विचारधारा से हैं। और अगर वो विचारधारा छोटी है और सामने वाला नहीं है, तो उसके दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। कोई भी महापुरुष कभी नहीं चाहता कि उसके नाम का जयकारा लगा जाए, वो चाहता है कि उसकी विचारधारा का जयकारा लगाया जाए, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, यही जयकारा है। यही बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने सिखाया है आप उसको कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, यही मेरी पूजा है। यानी बुद्ध की ऐसी पूजा करनी है। पूजा का मतलब है कि आपको उनकी बात को मानना है। पाली में पूजा का मतलब, पूजे मी का मतलब होता है कि जो बात बताई है उसको मानना है। तो बुद्ध को कैसे मानना है? जो बुद्ध ने जानकारी दी है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए जैसा सिखाया गया है। आप पूरी जिंदगी कहते रहे बुद्ध का जय हो, बुद्ध का जय हो, बुद्ध का ना जय हो सकता है ना आपका जय हो सकता है। मगर आपने अगर बुद्ध की एजुकेशन को जीवन में उतारा है, तो आपका भी जय होगा और बुद्ध का भी उद्देश्य पूरा होगा। अगर आप कोई महापुरुष है आपके, और महापुरुष का आप जयकारा लगाना शुरू कर दें, उनका नाम लेना शुरू कर दें, उनका संबोधन लेना शुरू कर दें, तो आप एक समुदाय बना रहे हैं। वो समुदाय दूसरे समुदाय को पसंद हो या ना हो, अगर वो पसंद होगा तो आपके साथ आएगा, और अगर वो पसंद नहीं होगा तो वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो आप जाने अनजाने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान सामने वाले को बताएंगे। सामने वाले से लाभ भी हो सकता है और सामने वाले से नुकसान भी हो सकता है, मगर दोनों ही केसेस के अंदर समानता नहीं रहेगी, दोनों ही केसेस के अंदर असमानता आ जाएगी। इसलिए जितने संबंध होते हैं, आपने देखा होगा कि जब बिजनेस में करने जाते हैं तो आदमी प्रसन्न करने के लिए सामने वाले का जो संबोधन होता है उसको बोलता है, यानी कि मुझे इससे कुछ लाभ चाहिए, इसलिए मैं इसको पहले प्रसन्न करूं, इसको खुश करूं। और इसको प्रसन्न और खुश करने के लिए जिस चीज़ की ये मानता है, जिसका ये उपासक है, जो इसका उपास्य है, जिस चीज़ में इसका कल्चर लगी हुई है, जो इसकी मान्यता है, मैं उसी संबोधन को बोलूं, उसी नाम को बोलूं, ताकि ये मेरे प्रति विश्वासी हो जाए और फिर मुझे ज़्यादा लाभ दे। यानी कि ये समता का, नम्र होने का व्यवहार नहीं है, नम्रता नहीं है, व्यापार होने का व्यवहार है कि व्यापार करने के लिए। इसलिए दुनिया में आप जब भी कहीं जाते हैं तो देखिए कि सामने वाला जो संबोधन कर रहा है वो संबोधन नम्रता के लिए है, या वो अपना कोई मजहब या धर्म या कोई रिलीजन बता रहा है, या कोई अपना ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति की वो पूजा करता है, अर्चना करता है, या उस व्यक्ति को मानता है उसके बारे में बता रहा है, या अपनी कोई कल्चर का स्टाइल बता रहा है, या वो बता रहा है कि उसके पहले चीज़ें कैसे चलती थीं। सारे संबोधन कुछ ना कुछ बताते हैं। अगर कहीं संबोधन का तरीके के साथ में शरीर स्पर्श का तरीका भी है, हाथ मिलाने का है, गले मिलने का है, बाजू मिलाने का है, उंगली मिलाने का है, सर मिलाने का है, एक दूसरे के गाल को टच करने का है, अगर कोई ऐसा तरीका भी याद है, तो उस बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि सामने वाले के मन में कितनी नम्रता है, कितना रेस्पेक्ट है। हाथ जब हम मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाला अगर आपको हाथ ऐसे ही पकड़ा देता है और वो ना उसको दबाता है, ना उसमें कोई गर्मजोशी है, ना उसमें कोई इच्छा है, और हाथ मिलाने के बाद, लेने के बाद अगर वो उसको अपनी पैंट से साफ करता है या रुमाल से साफ करता है या हाथ से हाथ को झाड़ता है, तो सीधे सीधे आपकी इंसल्ट है। हाथ मिलाने वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है, उसे आपका हाथ टच करना अच्छा नहीं लगा, वो आपके हाथ को दबाना भी नहीं चाहता। कोई आदमी अगर हाथ दबाता है, बार बार दबाता है, तो वो बड़ा गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, कोई काम उसका होगा या बहुत ज़्यादा उसकी मिलने की इच्छा होगी, बहुत सारी बातें। कोई आदमी दोनों हाथों से अगर आपका हाथ पकड़ के छोड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और आपको सानिध्य जाना पाना चाहता है, आपकी निकटता पाना चाहता है। कोई आदमी गले मिलता है, गर्मजोशी से गले मिलता है, और गर्मजोशी से मिलने के बाद में छोड़ देता है, तो आपको एहसास हो जाता है कि ये आदमी कितना आपका
परिचित है, कितना आपके लिए वो कृत संकल्प है। और कोई आदमी आपको इतनी जोर से दबाता है कि आपकी पसलियों में से आवाज आनी शुरू हो जाए, तो पता चल जाता है कि ये आदमी आपका हितैषी नहीं है, ये तो आपका दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। इसलिए ये जितने भी बोधन है, चाहे विषम बोधन है या संबोधन है या सांप्रदायिक बोधन है या धम्मिक बोधन है या धर्म के बोधन है या व्यापार के बोधन है या मजबूरी के बोधन है या क्या बोलते दादागिरी के बोधन है, ये सारे बोधन कुछ ना कुछ बताते हैं। इसलिए बुद्ध के समय में कहीं भी कोई भी नमो बुद्धाय जैसा नहीं था। वहाँ जब बुद्ध के अनुयायी थे वो करते थे पदिक्खणा करते थे। पदिक्खणा क्या होता है? पदिक्खणा का पै और दक्षिणा से मिलके बना हुआ है, यानी पद और दक्षिणा। पद माने पैर होता है और दक्षिणा माने होता है देखते हुए। यानी कि जो उनके डिसिपल्स थे, जो उनके सावक संघ थे, जो उनके शिष्य थे, जो भिक्खु थे, जो सीखते थे, वो अपने प्रश्न उत्तर करते थे वहाँ बैठ के। बुद्ध ऊपर बताते थे क्योंकि उनको सबको देखना होता था, सारी सिचुएशन जान के। और जो भिक्खु अपने प्रश्न या उत्तर देख के जाना चाहता था तो वो उनके आगे से उठता हुआ फोल्डेड हैंड के साथ, यानी हाथ जोड़कर निगाह नीची करके उनके पैरों की तरफ देखता हुआ जाता था। यानी कि वो अपने टीचर से आंख मिलाता हुआ नहीं जाता था और आगे से निकलता था, पीठ भी नहीं दिखाता था, क्योंकि पीठ दिखाएगा तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। उसको बोलते थे पदिक्खणा, यानी वो चक्कर लगाता हुआ आगे से निकल जाता था। एक घेरा सा है जहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं और वहाँ से वो उनके पैर की तरफ नीचे को देखता हुआ और उनकी कृतज्ञता देता हुआ कि आप में बड़ा कृतज्ञ हुआ, आपने मुझे ये सवाल का जवाब दिया, मेरी शंका दूर की, और वो चला जाता था। इसको पदिक्खणा बोलते हैं। बाद में जो पदिक्खणा है इसको ऐसा बना दिया कि बुद्ध के हाथ जोड़ के परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना नहीं है, कोई भी भिक्खु एक बार जाने के बाद दो बार तीन बार चार बार परिक्रमा करके वहां डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता था। जो सवाल का जवाब पूछा और चला गया, वहां चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलता। और पदिक्खणा का मतलब पैर छूना भी नहीं है। और बहुत से लोगों ने बाद में पैर को छूना बना दिया, यानी कि पैर छूने की एक रीत बना दी। पैर छूना नहीं है, पैर छूना होता तो पद फस्सो होता। फस को स्पर्श बोलते हैं, टच करने का, कोई भी स्पर्श करने का, छूने का, शरीर के किसी भी अंग को छूने का धम्म के अंदर कोई भी सिद्धांत नहीं है। ये धम्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर आप किसी को टच करेंगे तो टच करते ही आपकी वेदनाएं संवेदनाएं बढ़ जाएंगी और आपके राग द्वेष बढ़ जाएंगे, क्योंकि टच करने से शरीर के अंदर जितने भी राग हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भिक्खु अपने राग द्वेष खत्म करने आए हुए हैं, अगर वो एक दूसरे को टच करेंगे तो राग द्वेष तो बढ़ेगा। इसलिए टच करने का प्रावधान नहीं है, दूर से ही बात होती है। पदिक्खणा का मतलब है कि अपने ऐसा पदिक्खणा का मतलब है कि पैर के वो देखते हुए निकल जाना। क्योंकि इसको नीचे निगाह करके जाते हुए निगाह नहीं मिलाते भिक्खु, क्योंकि वो विपस्सना में रहते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ देखते हुए जाते हैं और नीचे ऑटोमेटिक पैर ही दिखाई देते हैं बुद्ध को, तो इसको पदिक्खणा बोलते हैं। बाकी जो वंदना शब्द है, वंद माने होता है नम होना, वंद माने नम होना है। वंदना का मतलब है कि नम होता हूं। अगर आप वंदना करते हैं तो इसका मतलब है नम होता हूं, नमस्कार करता हूं, इसका मतलब ही नमस्कार है, यानी नमस्कार है। नमस्कार और वंदना सेम है। वंदना का मतलब कहीं भी इस तरह का नहीं है कि आप थाली में बहुत सारा सामान रख के अगरबत्ती मोमबत्ती जला के धूप बत्ती जला के और चारों तरफ उसको थाली को घुमाएंगे तो वंदना होगी, वो वंदना नहीं है। वो तो आपका कोई और कुछ हो सकता है। वंदना का मतलब नमस्कार, नमस्कार या नम होना होता है। इसलिए जब आप संबोधन में जाएंगे, पूरी दुनिया के संबोधन देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को करते हैं, तो आपको मिलेगा हेलो करते हैं, हाय करते हैं, अरे करते हैं। संबोधन में आपको ऊंच नीच का पता चलता है, इज्जत बेइज्जती का पता चलता है। संबोधन में आपको रेस्पेक्ट का, यानी कि जो किसी का व्यवहार है जो आपको इज्जत देता है उसका पता चलता है, बेइज्जती का। संबोधन में आपको पता चलता है कि सामने वाला आपको क्या समझता है और आप उसको क्या समझते हैं। संबोधन में आपको पता चलता है कि सामने वाले का मजहब क्या है, सामने वाले का व्यापार क्या है, सामने वाले की विचारधारा क्या है। जब आपसे कोई संबोधन करके जो भी शब्द बोलता है उससे उसके मन की स्थिति का पता चलता है। इसलिए संबोधन यानी कि जो बोधन है वो बहुत मुख्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आपके पूरी जीवन की गाथा बता सकता है। इसलिए यूनिवर्सल शब्द होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो
यूनिवर्सल बोधन करते हैं, और यूनिवर्सल बोधों में नमककार आता है। नमककार कोई जोड़ सकता है कि ये पाली लैंग्वेज से बुद्ध से है, नमककार बुद्ध के पहले से चलता आ रहा है। यानी बुद्ध ने कोई नमककार शब्द नहीं बनाया, बुद्ध ने कोई वंदना शब्द नहीं बनाया, शब्द तो सारे बुद्ध के समय से पहले थे। बुद्ध ने जो कुछ नए शब्द बनाए हैं वो बनाए हैं जो विपश्यना करते समय, हाईएस्ट नॉलेज करते समय दुनिया में थे नहीं, उनको बनाया है। बाकी नमककार जैसे शब्द हैं या वंदना जैसे शब्द हैं ये तो बहुत पहले से हैं, या धम्म हैं या बुद्ध हैं, क्योंकि इतना हाईएस्ट नॉलेज ज्ञान करने वाले को बुद्ध कहा गया, बुद्ध तो पहले से था, यानी उसको बुद्ध बोलते हैं, ये बात पहले से थी, धम्म भी पहले से था। इसलिए आप जब भी कहीं संबोधन दें या किसी को हेलो हाय बोलें या कुछ बोलें तो देखिए कि वो स्टेट के हिसाब से है, यूनिवर्स के हिसाब से है, इंडिया के हिसाब से है, किसी धर्म के हिसाब से है, किसी मजहब के हिसाब से है, किसी रिलीजन के हिसाब से है, या किसी व्यक्ति के हिसाब से है, या जो छोटे 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 ग्रुप और समूह बने हुए हैं उनके हिसाब से है, या आपका कोई कुल देवी कुल देवता कुल माता कुल पिता उसके हिसाब से है, या बच्चों के हिसाब से है, या हिस्ट्री के हिसाब से है, या बिजनेस के हिसाब से है, या दुश्मनी के हिसाब से है, या दोस्ती के हिसाब से है, या भाईचारे के हिसाब से है, या मित्रता के हिसाब से है, या प्यार के हिसाब से है, या इकरार के हिसाब से है, ये एक शब्द पूरी हिस्ट्री बता देता है सामने वाले व्यक्ति की। इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।